हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी कुकिंग आज हम बनाने चाह रहे हैं वेज मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए वेज मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे मंचूरियन की बॉल्स तो बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिए एक कैबेज अच्छी तरह से मैंने कैबेज को धोकर ले लिया है और इसको हम काट कर ले लेंगे वैसे तो जो मंचूरियन की बॉल्स है उनमें जो वेजिटेबल्स हम डालते हैं वो बहुत ही बारीक बारीक चॉप करके यूज़ की जाती है लेकिन बारीक बारीक चॉप करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आप इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर चॉपर में डालकर भी बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेट करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाएगी चॉप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है लेकिन ग्रेट करना बहुत ही आसान है तो इस तरह से हम कैबेज को ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमारी बहुत ही बारीक बारीक कैबेज ग्रेट हो जाएगी तो डेढ़ कप के करीब यहाँ पे मैंने ग्रेट की हुई कैबेज ले ली है और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक कैरेट ले लेंगे कैरेट भी हम ग्रेट कर देंगे भी हमारी ग्रेट हो चुके है तो इसको भी हम सेम बॉल में डाल देंगे और अब ये सब्जियों को बाइंड करना ऐसे मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे थ्री टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर और थ्री ही टेबल स्पून इसमें हम मैदा डाल देंगे इन चीजों को हम सिर्फ बॉल्स बनाने के लिए ताकि जो बॉल्स है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए इसीलिए यूज करेंगे तो आपने जिस हिसाब से सब्जियां ली है उस हिसाब से ही अच्छी तरह से बाइंड होने वाला मिक्सचर बना लें तो एक चम्मच के करीब नमक डाल देंगे वन फोर टी के करीब ब्लैक पेपर डाल देंगे और अच्छी तरह से सभी चीजों को हम मिला देंगे इसमें वैसे तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है बिना पानी के ही जब हम इसमें नमक डालते हैं तो कैबेज हल्का हल्का पानी छोड़ देती है तो वो बाइंड होना शुरू हो जाता है अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाइंड हो रहा तो आप इसमें एक से डेढ़ चम्मच के करीब पानी ऐड कर सकते हैं तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लें और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर, कर लें अब देखिए बिना पानी के ही जो अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है तो इसकी हम छोटी छोटी इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और साथ में मैंने ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया इनको फ्राई करने के लिए तो तो पे हमारी सारी बॉल्स बन चुकी है, तो चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई हीट पर हम इन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बहुत ज्यादा इनको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना हल्का गोल्डन ब्राउन रखना है तो उतनी देर तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे और बीच बीच में हल्का हल्का इनको हिलाते रहेंगे इस तरह से तो आप देखें हमारी बॉल्स जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी की जो है उनको भी हम मीडियम टू हाई हीट पर फ्राई कर लेंगे सारी मंचूरियन की बॉल्स फ्राई हो चुके हैं तो इनको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे तो एक कढ़ाई ले लिए उसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल मंचूरियन को वैसे तो हल्के तले वाले पैन में हाई हीट में बनाया जाता है लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है हम उसमें बनाने जा रहे हैं ऑयल अच्छी तरह से हीट हो चुका है तो इसमें हम पाँच के करीब बारीक लहसुन की कलियाँ काट के ले लिए वो डाल देंगे साथ में थोड़ा सा अदरक आप ग्रेट करके यूज़ कर ले या चॉप करके ले ले वो डाल देंगे और थर्टी सेकेंड के लिए हमें इनको भुनना है ताकि जो लहसुन का कच्चा फ्लेवर है कच्ची स्मेल है वो चली जाए और इसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिया है उसका हम वाइट वाला पोर्शन डाल देंगे और कुछ बेल पेपर ले लिया है तीनों कलर की वो डाल देंगे ये बेल पेपर ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं लेकिन इनका फ्लेवर मंचूरियन में बहुत अच्छा आता है तकरीबन एक मिनट के लिए हम इनको कर... रोस्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना हल्का इनको क्रंची रखना है तो इनको ऐसे हम रोस्ट कर लेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे स्लरी बना लेंगे जिसमें एक बॉल में हम डाल लेंगे वन टेबल स्पून के करीब कॉर्न फ्लोर और थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे टू टू थ्री टेबल स्पून के करीब पानी डाल सकते हैं तो आ, हमारी जो बेल पेपर है वो भी अच्छी तरह से भून चुकी है एक मिनट के लिए तो इसमें हम डाल देंगे वन टी के करीब सॉल्ट और वन फोर्थ टी के करीब ब्लैक पेपर और अच्छी तरह से सभी चीजों को हम मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे वन टू तो टू टेबल स्पून के करीब रेड चिली सॉस अगर तीखा पसंद करते हैं तो टू टेबल स्पून डाल दें नहीं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और टू टेबल स्पून के करीब के केचप और साथ में ही हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून के करीब सोया सॉस अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसके ग्रेवी जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको ड्राई भी रख सकते हैं लेकिन इसमें ग्रेवी भी बना सकते हैं तो इस हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप के करीब पानी अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको हम एक बॉयल आने देंगे और साथ में ही इसमें हम थोड़े से ग्रीन वाला स्प्रिंग अनियन जो हमने काट के रखा था वो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि वाइट वाला हम पहले से ही डाल चुके हैं और ग्रीन वाले को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए हम इस स्टेज पे उसमें डाल देंगे अब जब ग्रेवी में थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो हम इसमें डालेंगे स्लरी जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी वो इसमें धीरे धीरे करके हम डालेंगे एकदम से ऐड ना करें सारी धीरे धीरे करके पहले दो चम्मच डालें अच्छी तरह से मिला लें फिर थोड़ी सी और डालकर अच्छी तरह से हम मिला लेंगे तो ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है मंचूरियन की तो इसको एक एक मिनट के लिए हम बॉयल होने देंगे और अब हम जो बॉल्स बना के रखी हैं हमने वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे और हीट को यहाँ पे हम कर देंगे बंद बॉल्स डालने के बाद इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर चाहे तो एक मिनट के लिए आप इसको ऐसे पका सकते हैं तो हीट को बंद कर देंगे और ये हमारा वेज मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है इसके ऊपर आप स्प्रिंग अनियन डाल दें और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है आप इसको ऐसे ही बनाकर नूडल्स या फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं बच्चे बहुत शौक से खाते हैं बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका आप इस मंचूरियन को ऐसे ही बनाकर सर्व करें और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें